मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित बजट में 30 नई योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं। वह आज मंडी जिला के महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल डिग्री कॉलेज सुंदरनगर के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के क्लस्टर विश्वविद्यालय की स्थापना 55 करोड़ रूपये की लागत से की जाएगी। क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंतर्गत सुंदरनगर, द्रंग तथा वासा प्रत्येक केंद्र पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष राशि मंडी परिसर पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के सुंदरनगर केंद्र में स्कूल ऑफ एप्लाइड साइंसेस, मैनेजमेंट तथा फार्मेसी पाठ्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में 10 आदर्श विद्या केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं की कोचिंग के लिए एक नई योजना प्रस्तावित की है। उन्होंने कहा कि पुस्तक दान योजना के अंतर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थानों से पास होने वाले विद्यार्थी अपनी पुरानी पुस्तकों को दूसरे जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रदान करें। सीबीएसई का पिछला रिजल्ट पिछले साल का रिजल्ट निकला, बच्चे ने टॉप किया 99.5% पास। और एक तरफ से हमारे बच्चे बिना थापर के, बिना भावर के पढ़ रहे हैं। आप कल्पना करिए कि कैसे उनका मां क्या कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने कहा कि आप संस्थान खोलिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर संस्थान खोल रहे हैं तो वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं साथ साथ करिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने जो हमारे फ्यूचर की, हमारे जो आगे भविष्य की जो जनरेशन है उसके बारे में अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें राजनीतिक तो उठापटक में, शोर में जो है दब करके रह गए। इस बात जो बच्चे, क्योंकि यह मंडी का कॉलेज और यह अपना सुंदरनगर का कॉलेज, मंडी और सुकेत, दो ये दोनों कॉलेज जो है हमारे जो है वो और पुराने कॉलेज है। हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा संस्थानों में इन दो संस्थानों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं देखता था एक के बाद एक जो है वो जहां बच्चे बहुत अच्छा नाम रोशन करके इस कॉलेज में आए। मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं। आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, आपने हमारी बात सुनी और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों आगे बढ़ो और खूब मेहनत से काम करो। हम चाहते हैं कि सुंदरनगर के छात्र जो आप पूरे देश में, दुनिया में हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि कॉलेज लाइफ बहुत प्रेरणादायी होती है, उल्लासपूर्ण होती है और प्रत्येक के लिए ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल है। उन्होंने कहा कि युवाओं के बीच उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य में टोपी की राजनीति अब बीती बात हो गई है। राज्य के लोगों को प्रदेश के मध्य भाग से मुख्यमंत्री मिला है, जिससे ऊपरी तथा निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री का मुद्दा भी खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसे विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा को भारी जनमत देने के लिए मंडी के लोगों का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि पहली बार भाजपा को जिले में इतना भारी जनादेश प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केवल 2.5 महीने के कार्यकाल में बहुत कुछ कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना है, विशेषकर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने गुणवत्ता पर ध्यान देने की बजाय राज्य में 1-1 लाख के प्रावधान के साथ 16 डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया गया और समूची व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ऐसे शिक्षण संस्थानों को खोलने के विरुद्ध नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई विवेकपूर्ण सोच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में अनेक ऐसे स्कूल हैं जहां अध्यापक विद्यार्थी अनुपात में आश्चर्यजनक असंतुलन है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी राष्ट्र का भविष्य है और बेहतर अधोसंरचना तथा स्टाफ पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में सरकारी सहायता प्रदान कॉलेजों को हर संभव मदद प्रदान करेगी। ये संस्थान विद्यार्थियों का बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के प्रयासों को साझा कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन किया, हमारे साथियों का किया, इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने सब साथियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इनके जिले का मुख्यमंत्री होता था, बाकी जगह बोलते ही ऊपर का मुख्यमंत्री,
अब हमारे मुख्यमंत्री निचले क्षेत्र से होते तो बोलते ये निचले क्षेत्र के हैं, अब बिल्कुल बीच में आया है सर, ऐसा खत्म हो गया, ये होकर निचले का कई जगह खत्म हुआ अपनी बात, हरी टोपी उनकी, लाल टोपी इनकी, ये टोपी का भी बड़ा मामला होता सरकार हमारी प्रतिष्ठित हो तो पंडाल में लाल टोपी वाले खूब सारे हो जाते थे, उनकी मनोती थे तो हरी टोपी वाले हो जाते थे। अब हम जो है वो हम टोपी कम पहनते हैं भाई, हमने कहा एक झगड़ा और खत्म हुआ, लाल मिलती है तो लाल पहन लेता हूं और हरी मिलती है तो हरी पहन लेता हूं। मुख्यमंत्री कौन होगा हमारे नाम का भी जिक्र होने लगा, कुछ साथी हमको सलाह देने लगे, बोलते कि ऐसा बोलते हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री वो बनता है जिसकी मुझे नहीं होती, और कुछ लोगों ने बड़ी ईमानदार मेरे दिल को मेरे जो बहुत चाहने वाले लोग थे उन्होंने कहा सलाह दी बोलते निकाल दो, हमने कहा भाई नहीं निकाले, फिर वो जो कहने वाले हुए वो ऐसे नहीं थे, वो दिल से चाहते थे कि अगर मुझे अगर रास्ते में आ गई तो निकाल दे, और ये भी नहीं बात आपकी बात हो गई हुए मुझे कम है लेकिन मुझे हैं, तो बहुत सारी चीजें नहीं हुई है आपकी बात, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि कई बार जब नई चीजें होती है तो नए काम भी होने चाहिए, और इस भावुक मुद्दे पर आपकी बात आपकी दुआएं दिल से जो इस प्रकार से मिली उसका मैं आसान जिंदगी बात करता हूं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों ने राज्य के लिए नाम कमाया है, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस युग में अभी बहुत कुछ किया जाना अभी शेष है। उन्होंने इस अवसर पर विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कॉलेज की मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में खेल परिसर के निर्माण के लिए 50 लाख रूपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेंट पीटर्स कॉलेज शिमला की तर्ज पर कॉलेज के प्राध्यापकों तथा स्टाफ को ग्रेजुएटी तथा अवकाश के बदले वेतन जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रूषा के अंतर्गत क्लस्टर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त खंड की आधारशिला भी रखी। हिमाचल प्रदेश सहायता प्राप्त कॉलेज प्राध्यापक एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1.51 लाख रूपये का चेक भेंट किया। यूनिवर्सिटी के विधिवत जो हमने भवन का जो है शिलान्यास किया, और इसके अतिरिक्त कुछ अरसे के पश्चात जो है वो मंडी में भी शिलान्यास होगा, और हमारे मंडी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है ये, जिसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री को इनको भी बधाई देता हूँ, और शिक्षा मंत्री जी की बधाई के देने के साथ साथ में हमारे सांसद महोदय जी हैं, सांसद महोदय जी जो इसके लिए लड़ते रहे, सबके योगदान की वजह से आज के इस दिन में हमको ये सफलता मिली है, और ये मुझे लगता है कि सुंदरनगर उसके साथ साथ में मंडी के विकास के लिए नया एक आयाम है। निश्चित रूप से इसमें हम वो एक्ट ला रहे हैं और उसका पालन होगा, पालन होने के बाद काम शुरू। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यूजीसी तथा मानव संसाधन मंत्रालय मानदंडों के अनुसार ये पहला क्लस्टर विश्वविद्यालय होगा। उन्होंने कहा कि क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी जिले के लोगों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से एक उपहार है। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश राज्य के लोगों की विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी है। भारद्वाज ने कहा कि राज्य के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में निजी कॉलेज तथा अन्य शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और राज्य सरकार इसके लिए हर संभव सहायता प्रदान करवा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान शिक्षा क्षेत्र पर 7,273 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब उच्च शिक्षा के लिए शिमला नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने क्षेत्र के विकास में गहरी रुचि के लिए स्थानीय विधायक के प्रयासों की सराहना भी की।